सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाले विजयादशमी पर्व पर जहां एक तरफ लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, वहीं देश में कुछ लोग रावण को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मे रावण को कई लोग अपना पूजनीय मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। कई जगहों पर रावण का पुतला जलाने की भी मनाही है। रावण भगवान शिव का परम भक्त, विद्वान और पराक्रमी योद्धा था। रावण के इन्हीं गुणों की वजह से उसके भक्तों ने भारत में उसके कई मंदिर बनाए हैं। एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक गांव है जहां राक्षस राज रावण का मंदिर बना हुआ है। यहां रावण की पूजा होती है। यह रावण का मध्य प्रदेश में पहला मंदिर था। मध्य प्रदेश के ही मंदसौर जिले में भी रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर नगर के खानपुरा क्षेत्र में रावण रुंडी नाम के स्थान पर रावण की विशाल मूर्ति है। कथाओं के अनुसार रावण दशपुर मंदसौर का दामाद था। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। मंदोदरी के कारण ही दशपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। दो कर्नाटक। कोलार जिले में लोग फसल महोत्सव के दौरान रावण की पूजा करते हैं और इस मौके पर जुलूस भी निकाला जाता है। ये लोग रावण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे भगवान शिव का परम भक्त है। लंकेश्वर महोत्सव में भगवान शिव के साथ रावण की प्रतिमा भी जुलूस में निकाली जाती है। इसी राज्य के मंडला जिले के मालवल्ली तहसील में रावण का एक मंदिर भी है। तीन राजस्थान। जोधपुर जिले के मंदोदरी नाम के क्षेत्र को रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल माना जाता है। जोधपुर में रावण और मंदोदरी के विवाह स्थल पर आज भी रावण की चवरी नामक एक छतरी मौजूद है। शहर के चांदपोल क्षेत्र में रावण का मंदिर बनाया गया है। चार उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कानपुर में रावण एक बहुत ही प्रसिद्ध दशानन मंदिर है। कानपुर के शिवाला इलाके के दशानन मंदिर में शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण की पूजा होती है तथा श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर रावण से अपनी मन्नतें पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1890 किया गया था। रावण के इस मंदिर के साल के केवल एक बार दशहरे के दिन ही खोले जाते हैं। परंपरा के अनुसार दशहरे पर सुबह मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, फिर रावण की प्रतिमा का साज श्रृंगार कर आरती की जाती है। दशहरे पर रावण के दर्शन के लिए इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और शाम को मंदिर के दरवाजे एक साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पाँच हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी के नाम से मशहूर बैजनाथ कस्बा है। यहाँ के लोग रावण का पुतला जलाना महापाप मानते हैं। यहाँ पर रावण की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि यहाँ रावण ने कुछ साल बैजनाथ में भगवान शिव की तपस्या कर मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। छह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ही आदिवासी बहुल मेलघाट, अमरावती जिला और धरोरा गढ़चिरौली जिला के कुछ गांवों में रावण और उसके पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है। ये परंपरा विशेष तौर पर कोडकू और गोंड आदिवासियों में प्रचलित है जो रावण को विद्वान व्यक्ति मानते हैं और पीढ़ियों से रावण की पूजा करने की इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। हर साल होली के समय ये समुदाय रावण पुत्र मेघनाथ की पूजा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।